अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही हूँ तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ ये देखिए मैं आज है ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ खजूर बादाम और लौंग की ताकत तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खासकर मेरे भाइयों के लिए जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है ज़्यादा फ़ायदेमंद है वीडियो को फुल वॉच करिए और ये इस पूरी पूरे नुस्खे को आप लोग ज़रूर देखिए और ट्राई करिए इन आपके अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ रहेंगी बॉडी में जैसे कि कमर में दर्द पैरों हाथों तो में दर्द और अपने आप को है ना वीकनेस महसूस करना और आपकी एनर्जी डाउन होना ये तमाम परेशानियाँ आपके दूर हो जाएंगे इनशाला तो इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं ले ली हूँ देखिए ये खजूर है मेरे पास घर में अजवा खजूर मौजूद थे मैं इनको ले ली हूँ ज़रूरी नहीं है कि अजवा खजूर ही होना जो भी आपको बाज़ार से खजूर मिल जाएंगे उसी को ले सकते हैं लेकिन बस शर्त है कि ये नरम हो ज़्यादा सख्त वाले सूखे खजूर ना हो और ये है बादाम बादाम को ले लेना है और लौंग इन लौंग को ले लेना है इनसे बनाऊँगी मैं एक छोटा सा नुस्खा जो आपको इस्तेमाल करना है ख़ासकर मेरे भाइयों के लिए है ये इन लोगों को है ना इसको इस्तेमाल करना है इस खजूर को तो इससे क्या होगा आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इन तो देखिए वीडियो को स्किप मत करिए और फुल वीडियो वॉच करिए मेरी तो चलिए बताती हूँ मैं आपको सबसे पहले तो है ना ये खजूर को ले लेना है और इसके अंदर कट लगाना है ये देखिए इस तरीक़े से इस तरीक़े से कट लगाना है और इसके अंदर जो बीज मौजूद है उसको निकाल देना है तो यहां पर मैं ली हूं छः अद खजूर तो इसको सबको कट लगाऊंगी मैं ये देखिए इसको भी हटा दी हूं मैं तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को है ना बीज बीज को निकालना है तो यहां पर मैं तीन खजूरों के ने निकाल दी हूं तो इसको लेने का तरीका ये है कि रोजाना खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले इसको लेना है तो देखिए यहाँ पर है ना चार आदत खजूरों के बीच निकाली हुई मैं और इसको ये ये वाले जो लौंग है ना ये काले लौंग है ये काल, का, काला लौंग ही इस्तेमाल करना है जो ब्राउन होता है वो लौंग नहीं जो लाल लाल टाइप में जो होता है वो नहीं काला लौंग लेना है तो देखिए दो खजूर है ना आधा किलो गोश्त का काम करते फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे भाई जो भी मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए है ये मेरे भाइयों के लिए है खासकर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देखिए ये दो लौंग है ना आधा किलो गोश्त का काम करते हैं तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक अदद लौंग इसको इस तरीके से रख लेना है और ये देखिए ये है बादाम बादाम को इस तरीके से रख लेना है दो आदद बादाम लेना है तो ये देखिए ये एक एक तैयार हो गया है खजूर हमारा इसको इस तरीके से बंद कर देना है तो अभी ये पूरे खजूरों में भी मैं इसी तरीके से एक लौंग को रखूंगी और दो आदा बादाम को रखूंगी तो ये, ये देखिए ये दो खजूरों को खाना है अगर बॉडी में ज़्यादा गर्मी है आपकी तो एक खजूर को भी खा सकते हैं आप दोनों खजूर खाना ज़रूरी नहीं है तो एक खजूर भी है। आप खाना खाने से आधा घंटा पहले खाना है आपको ये खजूर तो इसी तरीके से मैं है ना पूरे खजूरों को भी बना रही हूँ यहाँ पर ये देखिए इसमें भी इसमें भी मैं है ना लौंग को लगा दी हूँ और साथ में दो बादाम को आप लोगों के पास भी है नाजवा खजूर नहीं रहे तो कोई परवाह नहीं आप दूसरा खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा खाना खाने से पहले आप लोगों को है ना ये दो आधा घंटा पहले है ना ये दो खजूर खाना है और इसके ऊपर है ना नीम गर्म पानी चाहे आप एक कप पीजिए या एक गिलास लेकिन आपको नीम गर्म पानी ही लेना है गर्मियों में नॉर्मल पानी यानी कि सादा पानी भी ले सकते हैं इसके ऊपर आप गर्मियों में खाने का तरीका यह है कि एक डोस यानी कि एक खजूर खा खाने के बाद है ना आपको एक गिलास ठंडा पानी या एक कप ठंडा पानी पीना है और गर्मियों में यानी कि बारिश में और सर्दियों में है ना इसको दो डोस भी अगर आप खाना चाहे तो खा सकते बस शर्त यह है कि आपकी बॉडी गर्म ना हो जिसकी बॉडी ज़्यादा गर्म होती है वो एक ही डोज यूज़ करें यानी कि एक ही खजूर इस्तेमाल करें और उसके ऊपर एक कप नीम गर्म पानी पी लें तो फ़ायदा आपको ख़ुद महसूस होगा आपके अंदर जितनी भी मतलब परेशानियां हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगी आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं यानी कि जिस चीज़ से आप परेशान हैं खासकर मेरे भाई वो सब है ना उनकी टेंशन दूर हो जाएगी इन तो इसको लेने का तरीक़ा तो फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले इसको लेना है एक ये दोनों खजूरों को आधा घंटा पहले ले लेना है और उसके ऊपर नीम गर्म पानी पीना है और दूसरा तरीका वो भी है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी ये तो हो गया खजूर बादाम और लौंगा और दूसरा तरीका वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स मैं अभी तो देखिए दूसरा नुस्खा ये है एक नुस्खा तो मैं ये आप लोगों को बता दी हूँ खजूर का और दूसरा नुस्खा ये है फ्रेंड्स कि ये देखिए ये दो लॉन्ग लेना है और ये पूरा फुल लॉन्ग रहना जैसे कि इसकी टोपी भी रहना ऊपर और ये नीचे वाला हिस्सा भी रहना ये निकल गया तो ऐसा लॉन्ग नहीं रहना जैसे कि ये देखिए इस तरीके से नहीं इस तरीके से लॉन्ग होना है दोनों टोपी वाले लॉन्ग होना है तो अगर ये ऐसा टोपी हट भी गई है इसके ऊपर तो ये वाला लौंग नहीं इस्तेमाल करना है ये दो लौंगों को आपको है ना बारीक चबाना है सोने से आधा घंटा पहले इसको बारीक चबा कर मुँह में रख कर है ना एक गिलास दूध ये देखिए एक गिलास दूध गरम गरम आप लोगों को पीना है ठंडा नहीं बल्कि गरम गरम दूध पीना है दो लौंगों के साथ तो ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं लौंग में सदियों से लौंग इस्तेमाल होता हुआ आ रहा होता हुआ आ रहा है तो अब हम लोगों को भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए मुंह की बदबू के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मुंह धोने के बाद भी जिस किसी के मुंह से भी वो आना शुरू हो जाती है वो लोग भी है ना लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों नुस्खे आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ इन दोनों नुस्खों को ज़रूर ट्राई करिए आप लोग इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा खासकर मेरे भाइयों को भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे तो बस मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए फिर इस कोई और अच्छी वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर होंगी इनशाला देखिए ये तो मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है लेकिन उसके साथ साथ जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी यानी कि जो जिस जिससे हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेंगी जो भी मुझे आप लोगों को बताना रहेगा इन मैं बताते जाऊँगी तो ये था आज का नुस्खा और एक छोटी सी वीडियो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो में जब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफि फीएमानीलामक व वबरकू